हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अश्फा शमसी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्लू स्टार एसी में H6 एरर जो आता है वो क्यों आता है और क्या वजह होती है उसकी, और साथ ही उसका सलूशन भी बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस वक्त इस स्प्लिट यूनिट के अंदर H6 का एरर शो हो रहा है। जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अगर देखें इसको तो क्लियर नज़र आ रहा है H6। तो ये एरर क्यों है ये भी हम आपको बताते हैं। अगर हम इस साइड पर देखें तो पहले मैं आपको बता दूं यूनिट की पावर ऑन है, जैसे कि H6 एरर आ रहा है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो यह फैन ब्लोअर मोटर जो है वो नहीं चल रही। अगर आप देखें ब्लोअर यहाँ बंद पड़ा हुआ है और यूनिट भी काफ़ी डर्टी हो रहा है, पुराना यूनिट है और इस डस्ट की वजह से भी हो सकता है कि ये फैन ब्लोअर जो है जाम हो गया हो, या इसके कोई कनेक्टर वगैरह लूज़ हो गए हैं, या इसका कोई वायर डैमेज हो गया जिसकी वजह से ये H6 एरर आ रहा है। तो हम सिंपली इसको डायग्नोज करेंगे कि क्यों आ रहा है ये H6 एरर। तो वीडियो को मैं दोबारा यहाँ रोकता हूँ और उसके बाद शुरू करेंगे। जब तक हम इसके ब्लोअर को क्लीन कर लें, यानी कि इसके जो मोटर वाला हिस्सा है उसको देख लेते हैं, उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं कि H6 का एरर ख़त्म होता है या नहीं होता जी। तो यूनिट का केस हमने ओपन कर दिया है और इसकी फैन मोटर को हमने चेक किया तो उसके अंदर डस्ट पार्टिकुलर की वजह से इसका ब्लोअर जाम हो गया था। यूनिट काफ़ी हद तक ख़राब है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया। मैं इस वक्त इसकी सर्विस किए बिना ही आपको सिंपली इस एरर को ख़त्म करने का तरीका बता रहा हूँ, यानी कि मैं इस एरर को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसकी सर्विस करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सिंपली इस वक्त आप देख सकते हैं कि फैन ब्लोअर मोटर यहाँ पर जो है ऑफ पड़ा हुआ है। अगर ये देखें तो ये नहीं चल रहा, और यानी कि इसकी इस वक्त पावर ऑफ है। तो पहले ये फैन ब्लोअर मोटर बहुत जाम हो रही थी, इस जगह पर काफ़ी हद तक डस्ट पार्टिकुलर थे इस जगह पर, जिसकी वजह से ये मोटर जाम थी। तो हमने इसको क्लीन किया, अब ये ब्लोअर जो है बिल्कुल फ्री हो गया। लाजमी नहीं है कि ये डस्ट की वजह से ही हो। मैंने जैसे कि बोला कि फैन मोटर जो है वो अगर ख़राब हो जाए, या उसके वायर ख़राब हो जाए, या कनेक्टर इसका डैमेज हो जाए, उसकी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाए, लूज़ हो, तो उस वजह से भी H6 का एरर आता है। तो इस वक्त हम इस AC को ऑन ऑफ करके देख लेते हैं। ये मैंने इसको पावर ऑन किया दोबारा, तो आप देखेंगे स्विंग चल गई है और फैन ब्लोअर को हम देखते हैं कि ये ऑन होता नहीं, और इस वक्त ये जो ब्लोअर है वो ऑन हो गया है, जैसे कि पहले बंद पड़ा हुआ था। और अगर आप यहाँ देखें तो H6 का एरर ख़त्म हो गया है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है टेम्परेचर और इस वक्त ये AC चल रहा है। तो सिंपली ये फैन मोटर का इश्यू होता है H6 एरर में। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।